नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी कॉलेज सिवान। आज ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वर्गों में हम लोगों ने नैतिक निर्णय के स्वरूप पर विचार किया है। अब हम लोग नैतिक निर्णय के विषय वस्तु पर विचार कर रहे हैं। इस व्याख्यान के 8 भाग हैं, जिसके पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि नैतिक निर्णय के विषय वस्तु के रूप में नैतिक निर्णय के किस अवयव के की कितनी संभावना है। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा था कि सुखवादी और अंतः अनुभूतिवादी जैसे विचारक फल को ही नैतिक निर्णय का विषय या ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल जजमेंट के रूप में कार्य परिणाम फल या कॉन्सिक्वेंस का मूल्यांकन करेंगे। फलवाद उपयोगितावादी, सुखवादी और अंतः अनुभूतिवादियों का सिद्धांत है। उनके अनुसार जिस कर्म का फल अच्छा होता है, शुभ होता है, उसे शुभ कर्म और जिस कर्म का परिणाम बुरा होता है उसे अशुभ कर्म कहा जाता है। जेस मिल के अनुसार व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति कार्य करने से पहले मन में क्या सोचता है, उसे उसकी क्या इच्छा है और उससे क्या प्रेरणा उत्पन्न हुई है, वह किस चीज़ से मोटिवेट हुआ है, किस चीज़ से प्रेरित हुआ है, इसका कोई महत्व नहीं है। उनके अनुसार व्यक्ति के प्रेरणा का किसी क्रिया के नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। बेंथम के अनुसार प्रेरणा शुभ या अशुभ हो सकती है, लेकिन प्रेरणा या मानसिक क्रिया का शुभ या अशुभ होना उसके परिणाम पर निर्भर करता है। आपने अच्छा काम किया है, आपने जो कार्य किया है उसका अच्छा फल निकलता है तो आपके कर्म को शुभ कर्म या उचित कर्म कहा जाएगा, और अगर आपने अच्छा कर्म नहीं किया है, आपके कार्य का परिणाम अच्छा नहीं है तो आपके कर्म को उचित कर्म नहीं कहा जाएगा। जैसे आपने बहुत पढ़ाई की है लेकिन अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आपके पढ़ाई को उचित या शुभ नहीं कहा जा सकता। मिल और बेंथम प्रेरणा का प्रयोग कर्म के स्रोत, जो पहली अवस्था है जिससे मनुष्य कर्म करने के लिए प्रेरित होता है, जिससे इच्छा उत्पन्न होती है, उसको मानते हैं। उनके अनुसार सुख और दुख के भाव कर्म के स्रोत है। व्यक्ति सुख चाहता है इसलिए वह कर्म की तरफ प्रेरित होता है, और दुख से मुक्ति चाहता है इसलिए वह कर्म से प्रेरित होता है। कोई भी काम व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए या दुख से मुक्त होने के लिए करता है।
तो अगर व्यक्ति के कर्म से सुख की प्राप्ति होती है तो वह कर्म उचित है, शुभ है, और अगर दुख की प्राप्ति होती है तो वह अनुचित है और अशुभ है। दुख दूर होता है तो वह कर्म उचित है और शुभ है। दुख की प्राप्ति होती है, दुख बढ़ता है तो वह कर्म अनुचित या अशुभ है। इनके अनुसार अंत भला तो सब भला, जैसे कहा जाता है ऑल इज वेल दैट एंड इज वेल। इस सिद्धांत को फलवादी सिद्धांत कहा जाता है। परंतु यह बहुत उचित सिद्धांत प्रतीत नहीं होता है। कर्म मानसिक, शारीरिक और फल तीनों ही अवस्थाओं पर होता है। किसी एक अवस्था पर उसका मूल्यांकन करना उचित नहीं है। यह एक दोषपूर्ण सिद्धांत है। कर्म में व्यक्ति के प्रेरणा, इच्छा, विचारणा, संकल्प और अभिप्राय का भी उतना ही योगदान है जितना बाहरी परिणाम का। केवल एक को नैतिक निर्णय का विषय मानना एकांगी सिद्धांत है। प्रेरणा को, प्रेरणा शुभ होने पर परिणाम शुभ होता है और कभी कभी अशुभ भी हो जाता है। अशुभ प्रेरणा का भी फल शुभ होता है। जैसे डॉक्टर किसी मरीज को ठीक करने के लिए उसका ऑपरेशन करता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या डॉक्टर को दोषी ठहराया जा सकता है? इसी तरह से अनेक कर्म हैं जिसमें व्यक्ति की प्रेरणा शुभ होती है। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए समझौता किया था, पंचशील सिद्धांत बने थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, लेकिन चीन ने आक्रमण कर दिया। प्रेरणा शुभ होने के बावजूद उसका फल अशुभ रहा। इसी तरह अशुभ प्रेरणा का भी फल शुभ होता है। जैसे भूख मिटाने के लिए कोई चोरी करता है या अन्य किसी को, कोई माता अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए किसी की हत्या कर देती है, ऐसे प्रेरणा का फल शुभ है। तो क्या इस कार्य को नैतिक या शुभ कहा जा सकता है? इसी तरह एक दूसरी आलोचना है कि परिणाम पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं। यह सामान्य बात है कि नैतिक निर्णय व्यक्ति के कर्म पर दिया जाता है। फल या निर्जीव वस्तु से उसका कोई संबंध नहीं है। उचित या अनुचित, शुभ या अशुभ व्यक्ति के ऐच्छिक कर्म या चरित्र को कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से यह व्यक्ति से संबंधित है, परंतु व्यक्ति स्वप्रेरणा से भी
अगर कोई कर्म करता है तो उसका अशुभ फल होता है, और अशुभ प्रेरणा से किया गया कर्म का फल शुभ होता है। अर्थात व्यक्ति का फल पर कोई अधिकार नहीं होता। व्यक्ति अच्छा कर्म करके भी बुरा फल प्राप्त कर सकता है। जिस चीज पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराना पर्याप्त सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है। कर्म पर व्यक्ति का अधिकार होता है, उसकी इच्छा पर उसका नियंत्रण होता है, उसके विचारणा पर उसका नियंत्रण होता है, उसके इच्छाओं के संघर्ष पर उसका नियंत्रण होता है, संकल्प पर उसका नियंत्रण होता है, साधन के चयन पर उसका नियंत्रण होता है और अभिप्राय पर उसका नियंत्रण होता है, शारीरिक क्रिया पर उसका नियंत्रण होता है, परंतु फल पर नियंत्रण बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कोई निशानेबाज निशाना लगाता है, वह अपनी संपूर्ण एकाग्रता को स्थिर कर गोली दागता है, परंतु लक्ष्य के हवा में हिल जाने के कारण या बंदूक की गोली के बीच में अवरोध आ जाने के कारण निशाना चुक जाता है। ऐसी स्थिति में उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसके कर्म को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। इस तरह से बाह्य परिणामवाद या फलवाद एक अपर्याप्त सिद्धांत है जो केवल फल को ही नैतिक निर्णय का विषय मानता है। नैतिक निर्णय में प्रेरणा और परिणाम तथा साधन तीनों महत्वपूर्ण हैं। प्रेरणा और परिणाम तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नैतिक निर्णय किसी एक के आधार पर देना उचित नहीं है। इस तरह सुखवादी नैतिक निर्णय के विषय के संदर्भ में एक अपर्याप्त और अपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिनमें दोष है, इसलिए इन्हें पर्याप्त सिद्धांत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।